आज हम मूंग दाल का पूरी बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा मूंग दाल भरेंगे, दो मुट्ठी, और इसको दो तीन पानी से धो के और इसको फूलने के लिए दे देंगे एक घंटा। ये दाल पीस लिए हैं मिक्सी में, और इसमें डालने के लिए ये काट के रखे हैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च है, थोड़ा सा अजवाइन है। इसमें दो बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, इससे दाल जो है मूंग दाल उसमें तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डाले हैं। अब ये सारा हम इसमें डाल के भून लेंगे। फोरन मेरा जल गया है, अब इसमें इसको डाल देते हैं दाल को, इसको चलाते रहना है क्योंकि ये कढ़ाई में सकने लगता है, तेल ज़्यादा होने के बाद भी सकता है। इसमें थोड़ा एक चम्मच सत्तू चना का डालेंगे, एक चम्मच चना का सत्तू, इसको मिला के भून लेंगे। हल्दी कलर आने के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मिर्ची है, लाल मिर्ची, और नमक। फ्राई कर लिए हैं, अब इसको बाहर कर लेते हैं। आटा गूंथ लिए हैं, इसमें डाले हैं हम रिफाइन, थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी, और उसके बाद हम सान लिए हैं। एकदम थोड़ा दाल डालेंगे, बंद कर देंगे। इसको हल्का बेलन से घुमा घुमा कर बेल दीजिए, फटना नहीं चाहिए। तेल गरम है, देखिए कितना अच्छा फूल के लिए कर लिए। पूरी तैयार हो गया है मेरा। और मेरा चैनल दीपवीर माँ की रसोई को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।